देखो बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नमक तबाही की कहानी है। इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हम जस्ट ट्राइंग माय लक, वैसे भी कान की बेबी एंड हैप्पी सॉरी मी फक। लौंडे प्यार में क्या क्या चूतिया नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचो। स्वागत है आप सबका हमारे सबसे ज्यादा सख्त शो जनता का मुठ कदमा में। तो यार वैलेंटाइंस डे के इस मनहूस अवसर पे दो दिन पहले एक बहुत ही घातक हमला हुआ है। खुद को सख्त लौंडा कहने वाले कुछ गद्दारों ने अपनी लुल्लियों को सख्त कर करके एक लड़की को इतना वायरल कर दिया भाई कि एक दिन में 70,000 से 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उसके। नहीं यार, आप अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छा डांस कर लेते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर इतने टैलेंटेड हैं कि अपनी दोनों टांगे उठा के कंधे पे रख लेते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई एक लौंडिया ने गाने में आकर के दांत फाड़ दिए तो फिर भाई खड़ी चट्टानें ढह गई। नहीं नहीं भाई, इतिहास गवाह है वैसे तो कि हमेशा से यही होता आया है कि कुछ चूतियों ने मिलकर अपनी हवस के चक्कर में हमेशा नाजायज सपने पूरे किए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये लड़की आई कहां से। भाई ये वीडियो एक्चुअली एक मलयालम मूवी का सॉन्ग है, जिस सॉन्ग में एक स्कूल दिखाया गया है जहां पे ये चार चूतियां ऑडिटोरियम में बैठ करके प्यार मोहब्बत के गाने गा रहे हैं। माणिक मलराय पूवी महदियां खरी। सुनो भाई, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, अगर ऑडिटोरियम में इतनी शक्ति हमें देना दाता के अलावा कोई और सा गाना गा दिया भाई प्रिंसिपल गाँव पे लठ बजाता है। और इन चारों को गाना गाते हुए पब्लिक ऐसे देख रही है कि मानो अभी खा जाएगी। नहीं नहीं यार, शक्लें देखो इन सब की, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी इन सब ने पहली बार देखी है। यार इस स्कूल का ना अलग ही हिसाब है, हर कोई आशिकी लड़ाने में लगा हुआ है और टीचरों को भी कोई मतलब नहीं है। नहीं यार, खुद देखिए आप। हेलो बच्चों, पढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे किसी को। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही दिल लगा के सटियारी करो तभी तो बनोगे तुम लोग बड़े आदमी। अब इस गाने में ना सबका यही हाल है। सबसे पहले तो ये लड़की जिनका एटीट्यूड ही अलग है भाई, कितना धीरे चल रही है यार, कतई अंडरटेकर वाली एंट्री ली है इसने। और अब ये लौंडा जो नीचे बैठी हुई लड़कियों को देख करके अजीब हरकतें कर रहा है। सुनो मेरे भाई, ये आशिकी और एक्टिंग बाद में करना, पहले जो अपने शरीर में फंसा हुआ है उसको निकाल लो। भाई मेरी बात सुनो, इतनी ज्यादा बेचैनी ठीक नहीं है। अब आते हैं हमारी सुंदर परी पे, जिनको इस गाने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। भाई इस 3 मिनट 17 सेकंड के गाने में इनका बस इतना सा काम था। यार ये वही लड़कियां होती हैं जो ग्रुप प्रोजेक्ट में जरा सा भी काम नहीं करती हैं, उसके बाद भी ऐसे चूतियों की वजह से इनको 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं, और फिर अपना काम निकलने के बाद ऐसे लौंडों से इनका बस एक ही रिएक्शन होता है। Who are your bench or कौन है तू? तो अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये लोग इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो जाते हैं। तो भाई इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मीम बनाने वालों का, क्योंकि यार इन लोगों को कुछ भी दिखता नहीं है, उस पे ये लोग वीडियो और फोटो इतनी ज्यादा बना देते हैं कि पता नहीं चलता है जो लड़की कल तक के अपनी दोस्त के साथ मारम पिट्टी खेल रही थी आज वो पूरे देश का क्रश बनी घूम रही है। अब जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि सख्त लौंडे पिघल गए, भाई मेरी बात सुनो, सख्त लौंडे नहीं पिघले हैं, बस गद्दार कम हो गए हैं। दोस्तों याद रखना, चूतिए और चुनौतियां हमेशा सामने आती रहेंगी, लेकिन ये सख्त रहने की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में हम लोग पिघलने के लिए नहीं अपनी सख्ती के लिए याद किए जाएं। पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार कमेंट करो, आज मुझे हर इंसान का कमेंट चाहिए है ताकि गद्दारों की गर्दनें शर्म से झुक जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, तुरंत लाइक करो वीडियो को, और अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उस पर भी दबाओ। बस यार मैं भी चलता हूँ, मेरी और मुकेश भाई की मीटिंग है बजरंग दल के साथ,
प्रिपरेशन भी तो करनी है कल की, तो बस यार एंडिंग लगा। झाटू और तो पौड़ी के हमारे अंदर के सारे घाव उस पार की लौड़ी के, उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गाड़ में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है। तुम्हारे जैसे चूती आशिक घुमा चुकी हजार, ये सारी मतलब की मशीन, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार, कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है, हर दो मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते, सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है।